अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरिस होंगे। तो मैं आई थी छत पे अभी और टाइम हुआ 6 से ऊपर का, आई थिंक 6:10 हुए, 6:05 हुए। तो मैं ऊपर आई हूँ, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि ना मेरे मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल लो थी। तो मैंने सोचा कि मैं ना हाफ एन आवर जो है ना उसकी वीडियो क्या कहते हैं चार्ज कर लेती हूँ सेल को। और उस दौरान फिर टाइम काफ़ी लग गया, कुछ मेरी जो है भाभी वो अपनी अम्मी तक गई थी, तो मेरा जो भतीजा है वो उधर क्या कहते हैं वो तंग करने लगा हुआ था उधर। मसलन मेरा भाई कहते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना शोर कर रहा है, गुस्सा हो रहा है कि मतलब कोई तबीयत बच्चों की अपसेट हो जाती है तबीयत। बच्चे जहाँ एक जगह रहने के आदि हो ना, फिर जब उनको थोड़ी सी जगह चेंज मिलती है ना तो फिर थोड़ा सा तंग करते हैं। ये एक फैक्ट है कि आप लोग भी बताएं कि जो बच्चे अक्सर कुछ होते हैं कि आप लोगों के साथ ज़्यादा अटैच्ड होते हैं जैसे कि हमारे साथ, तो फिर जब वो कहीं दूसरी जगह जाते हैं ना तो फिर उनको नए चेहरे मिलते हैं ना देखने को, तो फिर वो परेशान भी होते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करने में भी उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो फिर ताहिर जो था वो वहाँ पर तंग कर रहा था। तो मैं फिर जब वीडियो कॉल एंड हुई है तो उसके बाद मैं छत पर आने लगी काम करने के लिए। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी चार्जिंग हो गई है तो मैं फिर काम कंप्लीट कर लेती हूँ जाके ऊपर, जो भी थोड़ा बहुत करना है। तो फिर क्या हुआ, मैं ज़रा मोबाइल भी साथ ना ट्राईपोड पे लगा देती हूँ। मैंने ना ये चंक्स निकाल लिए जो मैंने मुल्तान मिट्टी के जो पीसेस कल कट किए थे, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ना मैं जब ऊपर आने लगी हूँ तो वो मेरा भतीजा आ गया, क्योंकि वो पास में मेरी आंट का घर है ना, तो वो आया तो मैं उसके साथ लग गई, उसके साथ खेलने लगी। तो टाइम का पता ही नहीं चला, जहाँ मुझे सोचा था कि 5:30 पे मैं छत पे चली जाऊँगी वहाँ मुझे 6:00। एनीवेज अब भी मैं टाइम बातें करके थोड़ा सा अपना वेस्ट कर रही हूँ, तो मैंने अब मैं अपना काम कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि मुझे ना ये जो डर्ट है इसको टब से बाहर निकालनी है। तो मैं आपके सामने इस प्रोसीजर को थोड़ा सा चाह रही थी शेयर करना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको पता है कि डर्ट जो है ना ये काफ़ी माशाल्लाह अच्छे से सेट हो चुकी है, तो नाउ इनू कर दे टब तो बार। ठीक है, सबसे पहले भाई ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टेक्सचर है और ये देखिए चंक जो है इजीली, क्योंकि देखिए मैंने आपके सामने ही कल इसको कट किया था कट। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं तमीज़ के नाल। ठीक है, इस टेक्सचर ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, यू नो पता क्यों टाइम ज़्यादा इसलिए भी लिया गया क्योंकि इसमें ना एक कंटिन्यूसली ये धूप नहीं मिली इस टेक्सचर को ड्यू टू रेनी वेदर। और यू नो आई एम सॉरी, इंग्लिश तो बहुत ही ना लो है लोकल। ये देखिए सही है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है मेरी अल्लाह पाक से कि ये इंशाल्लाह ताला इस बार सॉफ्ट होगा और जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वैसा ही होगा इंशाल्लाह ताला। और जब कहते हैं ना कि मेहनत ठोक के बंदा करता है ना किसी काम को करते वक्त, तो उसका रिजल्ट भी आला मिलता है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी इस टेक्सचर का रिज़ल्ट भी आला 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 मिलेगा। आप लोगों ने बस ये नहीं देखना कि रेड क्वीन जड़ी हैगी होगी है ना वो वीडियो नहीं पाती पी, तो भाई वह तो भाई गई कम नाल। नहीं, आप वीडियो पावांगे बिच ब्रेक आ जाती होंगी, जिंदगी दे विच ही कम चलते रहते हैं, कभी ब्रेक तो कभी कम। सही है, मैं चाहती हूँ कि भाई काम अगर नहीं अच्छा होया तो थोड़ा सा ब्रेक ले ले, क्यों बोंगियां मार मार के तुहानू भी तंग करना ते आप भी तंग होना। ठीक है ना, ठीक है से कि कितना ब्यूटीफुल पीस निकला है। तो भाई ये सारे चंक्स जो हैं ये मैं निकाल लूँ इज्जत के साथ, देन वी विल डू अनदर वर्क। भैया आजकल ना तो चलिए डर्ट्स के मैंने पीसेस कर लिए, मैं इनको सेट वेट करके किसी जगह पे रख दूँ, टिकाने लगा दूँ इनको। माफ़ करें, इन पीसेस को टिकाने लगा दूँ, देन
वर्कप्लेस पे इतना खलारा डला हुआ है ना, यकीन करें मुझे क्रिंज हो रही है इधर देख के। हाय ये देखिए मोडियस मार ने जो है ना अपने टेक्सचर पे लाए हुए इधर, मिट्टी से मिट्टी माहौल है जी बाबा। ये देखिए यहाँ पे मिट्टी 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 मिट्टी, मैं यहाँ पे सारी ब्रश मार्केट जो डस्ट है ज़मीन से वो इकट्ठी कर थी, टब से अपनी साइड पे थोड़ी किए, इतने वजनी है ना मेरी कंधे रह जाते हैं बाजी। अच्छा ये देखिए मैंने ना ये जो डेट है येलो कितनी प्यारी लग रही है यार, ये प्यारी लग रही है ना माशाल्लाह से माशाल्लाह। जो भी मतलब जो भी मेरे टेक्सचर को देखें नए वाले को, ये देखें हर कलर एक से बढ़ गए कैडर्ट का मेरी माशाल्लाह। कोई नहीं इसको भी ठीक करेंगे इंशाल्लाह ताला, कोई नहीं हमारा फेवरेट टेक्सचर है ये देखें। ये भी एक एक टब मैंने हाल नहीं किया, एक टब जो ये वाला था ठीक है। अभी ये माइक भी टक टक करेगा अभी जाके, ये देखें वो एक वो पड़ा हुआ अभी ठीक है। तो क्वांटिटी आप देखें मेरे टेक्सचर की माशाल्लाह बहुत ही सुपर्ब है। तो मैं पता क्या करने लगी हूँ, मैं ना ये वाइट अर्ट को उठा के ना किसी तरीके से किसी जगह पे एडजस्ट करती हूँ, ये खाली जो टब कर रही हूँ ना इसमें करती हूँ, वाइट अर्ट को रखती हूँ और फिर ना ये मैं जो टब नहीं ये वाला इसके साइड पे करके इस शीट को थोड़ा सा इधर करती हूँ और ये डर्ट को इधर से उठा के ना उस टब में रखती हूँ वाइट वाले वाइट इसमें ये वाले में पिंक वाले में। उसके बाद मैंने वीडियो भी बनानी है और ये ये मेरी तार जो है ना मेरे बालों में अटक जाती है बाल ही मेरे। अच्छा ये डर्ट जो है ना ये वाली डर्ट इसकी क्रमलिंग करनी है। अभी मेरे पास पता नहीं कितना टाइम है, एक घंटे से कम है बिल्कुल, 7:00 कुछ मिनटों पे अजाने स्टार्ट हो जाती है मगरिब की। ये जो कल मैं डर्ट की क्रमलिंग करके गई थी ना वो व्लॉग आज आप देखेंगे, उसके अंदर मैंने ना इसकी डर्ट की क्रमलिंग की थी न्यू वाली की। तो मैंने जो पहले वाला पाउडर पड़ा था ना और न्यू वाला उसकी मैंने दोनों को मिक्स करके ना इसके बॉल्स बना के रख दिए थे, डैम्प ही था ना टेक्स्चर तो मैंने इसके बॉल्स बना दिए। हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो जब टेक्सचर आप बिल्कुल डैम हल्का सा पानी शानी डाल के ना डर्ट के अंदर उसकी मिक्स करके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉल्स वगैरह आप कुछ भी शेप वगैरह दे सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो, अदरवाइज़ चंक्स लोग प्रीफर करते हैं कि चंक्स जो है ना वो ईज़िली बन जाते बजाय हाथों से हम इतनी मेहनत करें। खैर कल की वो रेड डर्ट का पाउडर भी पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह ताला उसकी वाटर पोरिंग होगी, वो भी मैंने आपसे कहा था वो भी करूँगी इंशाल्लाह। तो फिलहाल मैं सर इस खलाड़े को थोड़ा सा निकालूं फिर उस टेक्सचर को बाहर निकालते हुए मैं आपको दिखाऊंगी जो दाबड़े में पड़ा हुआ है और उसके बाद क्रबलिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जस्ट इस काम को निपटा लें फिर काम करते हैं शुरू बाकी का ठीक है। अच्छा ये देखिए मैंने ना वहाँ से वो जो चंक्स है ना डर्ट के वाइट डर्ट के वो उठा के ना इस शीट पर रखे हैं, ज़मीन में इतनी डस्ट फैली हुई है, टेक्सचर मेरा इतना गंदा हो रहा है ना, लेकिन क्या कर सकती है मैंने ना। अब इधर जो है ना वो जो मुल्तानी मिट्टी का टेक्सचर पड़ा हुआ है उसकी कटिंग करते हैं पहले, उसके बाद हम उसको ना इधर उसको हम इधर सेट करके रखते हैं ठीक है। तो मैं इसको कट कर लूँ जल्दी से आपके सामने और मेरे इज द माइक। हाँ जी तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद जब ये डर्ट को सेट कर लेंगे ना फिर हम टब्स वगैरह को एडजस्ट करके वाडियो बना रही करते हैं उसे वाडियो बनाते हैं। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, मेरे ख्याल से ये भी निकलेगी नहीं बाहर। इसको भी छोड़ देते हैं ये क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, अगर इसको निकालने लगे ना तो ये सारा ही वो हो जाएगा। हमने इसको ये जो डेट है ना इसको बाहर निकाल लेते हैं, उस टब को फ्री करके इसके अंदर वाइट डर्ट की क्रमलिंग करते हैं ठीक है। जो ड्राई क्रमलिंग हमें करनी है मैं ड्राई क्रमलिंग अभी फ़िलहाल करूँगी इसकी, क्योंकि ना मुझे ना उसको अंदर पानी वगैरह डाल के ना उसको सही से सेट करके रखना है क्योंकि बड़ी ही मैसी हुई है। तो इसको हम नहीं करेंगे कुछ क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मैं चाहती ये सारी मेहनत वेस्ट हो तो इसको बाद में कल देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये देखिए मैंने ना वो जो ऊपर पाउडर था ना उसको निकाल के इसके ऊपर डाल के ना साइडों से जो किनारे थे उसका भी पेस्ट निकाल के ना मैंने बॉल में डाल के रख दिया, मैंने कहा इसकी शेप बन जाएगी। अभी फिलहाल वर्कप्लेस पे इतना खलारा पड़ा है, ये देखिए मेरी मैंने ना जल्दी से वाइट डर्ट की ड्राई क्रमलिंग करनी है। मुझे ना आपसे एक पूछनी थी एक बात कि मुझे एक सब्सक्राइबर ने आके कहा कि ना एस स्मार्ट जो है हमारी कम्यूनिटी की क्वीन है, क्रमलिंग क्वीन है और इंशाल्लाह रहेंगी क्योंकि उन जैसी क्रमलिंग स्टाइल जो है ना वो अभी तक किसी ने भी नहीं उस चीज़ को ना
दिखाया बाद में, जब से जो क्रमलिंग स्टाइल उनका था तो कोई भी उनके क्रमलिंग स्टाइल को कभी कोई कॉपी नहीं कर पाया है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखें जो चीज़ आपकी ओरिजिनल है उसी पे ही आपको अपना काम वगैरह करना चाहिए और उसी में आपकी पहचान है। जैसे उनकी एक पहचान थी, उनका जो भी क्रमलिंग स्टाइल था, उनका जो एक सेटअप था वो माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त था, और उनकी वीडियोज़ आज भी तमाम कम्युनिटी की जितनी भी वीडियोज़ हैं इंक्लूडिंग मेरी, सबसे ज़्यादा उनकी वीडियोज़ जो है ना टॉप पे हैं। ठीक है, मैं वीडियोज़ वगैरह अपनी इतनी वॉच करती है, मैं बहुत कम वॉच करती हूँ, क्योंकि ये काम करने के बाद बहुत ही आपका ना काम से इतना आप थकावट हो जाती है ना, फिर आपका किस इस कंटेंट को दोबारा देखने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अब जो प्रैक्टिकली करते हैं ना काम वो इतना इस चीज़ को नहीं अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं जो नहीं ये काम करते। लाइक जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर जो आप सब हो जो इस काम को नहीं करते हो, उनको ज़्यादा मज़ा आता होगा वीडियोस देखने का बनिस्बत जो इस काम को करते हैं, तो वो बहुत ही रिलैक्स माइंड हो ना तो वो इस काम को देख के इंजॉय कर लेते हैं, लेकिन जो काम ही करते हैं ना वो जानते हैं कि वो थकावट से उनका जहन नहीं जाते देते, मेरा तो नहीं देता है, लेकिन मैं फिर भी कभी कभी देख लेती हूँ। बहरहाल तो मुझे ना एक सब्सक्राइबर ने आके कहा कि आज उनकी ना डेथ को 1 साल हो गया है, एस एस मार जो है ना सिमर, तो उनके लिए वीडियो डेडिकेट करें। तो मैंने पहले भी जब स्टार्टिंग में जब उनको सबने वीडियोस डेडिकेट की थी, मुझे भी सब्सक्राइबर्स ने ही आके कहा था कि आप उनके लिए एक वीडियो बनाएं, वो हमारी कम्युनिटी की खास स्पेशल एएसएमआर आर्टिस्ट थी तो उनके लिए आपको एक वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे वो वीडियो बनाई थी, क्योंकि जैसे ही वीडियो बनाना शुरू की थी सब ने लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था कि आप क्या उनके नेम पे व्यूज़ ले रहे हो, उनके नेम पे अपना चैनल चला रहे हो, यू नो जो बाकी इस मराठी से, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो किसी ने कहा था क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट पूरी की थी। तो इसी तरह अब भी मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि आपको एक वीडियो बनानी चाहिए उनकी वगैरह, तो मैं सोचूं कि क्या ये हमें करना चाहिए उनकी इस तरह से, उनकी जाने के बाद 1 साल हो गया उनकी डेथ को, तो क्या हमें इस बात पर वीडियो बनानी चाहिए क्रमलिंग की। मेरे जहन में तो मुझे नहीं लगता कि बनानी चाहिए, लेकिन अगर आप कहते हो रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं बना देती हूँ, लेकिन अगर कोई नेगेटिव कमेंट आएगा तो मैं उनको पहले ही वजह दे देती हूँ कि रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ये ड्राई क्रमलिंग करते हैं और फिर ब्लॉग को मैं बाद में एंड करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, अभी ये क्रमलिंग की जो है ना रिक्वेस्ट पूरी कर दूँगी। अच्छा जी, मैंने ना वीडियो बना ली है, हाय बड़ी डस्टी वीडियो थी, एक नंबर की डस्टी वीडियो थी, और इसका क्रम्बल था सच में, जो डस्टी टेक्सचर होते ना उनकी वीडियो बना के ना बंदा चूड़ा बन जाता, जैसे कि मैं भी बनी हुई चूड़ी, फुल चूड़ी, और ये टेक्सचर इतना जबस जबंगस था, मज़ा आ गया, तीन चूड़ी मज़ा आ गया मुझे, मज़ा आता है इन डर्ट्स को क्रम्बल करके, इतना आपको देखने में आता होगा ना, मुझे करने में क्रम्बलिंग करने में इनका मज़ा आता है बहुत। मैंने कहा कि ड्राई क्रम्बलिंग करूँगी सारे चंक्स की, ये बहुत ही ज़बरदस्त चंक्स थे और नेचुरली चंक्स थे, रैंडम चंक्स थे, यानी कि बारिश के पानी के जाने के बाद पूरा पैक टेक्सचर मेरा ड्राई था ना, उसने बारिश के पानी ने इसको हार्ड नहीं किया, अगर ये पहले से शायद पानी वाला होता ना, यानी वाटरी होता, पहले से गीला होता मे बी, लेकिन नहीं, पूरा टेक्सचर ड्राई था ना इसलिए टेक्सचर सॉफ्ट रहा, और इस कदर ज़बरदस्त टेक्सचर है ये क्रमलिंग वाइज, आई लव दिस डर्ट, मुझे हर डर्ट अपनी क्रमलिंग की वाली बहुत पसंद है, वाइट हो जाए, रेड हो जाए, ब्लैक हो जाए, येलो, मर्ड वाली, ग्रे को तो मैंने मुँह ही नहीं लगाया, मर्ड वाली को भी नहीं लगाया, सॉफ्ट वाली को भी अभी तक मैंने क्रमलिंग किया, इसकी भी इंशाल्लाह ड्राई क्रमलिंग आएगी दोनों की, वाइट की ग्रे वाली की भी आएगी और वो वाली भी सॉफ्ट वाली की भी। तो लेकिन ये मत भूलें कि सेल्वेशन वीडियोस में भूल गई वो भी आएगी,
जस्ट इन वीडियोस के दौरान ही आएगी। पता है कि मैं एक शेप की तलाश में हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ वो शेप मुझे मिल जाए। मैंने ऑनलाइन परचेज कर दी कि वो उस शेप कोशिश की है, वो इतनी मुझे महंगी पड़ रही है, एक छोटी सी शेप इतनी महंगी पड़ रही है वो। तो मैंने कहा मैं बाज़ार जा कर ना ले आऊँ, इतने फालतू पैसे आए हैं कि मैं वो एक शेप को खरीदने में लगा दूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं बाज़ार जा कर ले कर आऊँगी। ठीक है, तो ये था भाई, अंधेरा हो गया और थोड़ा सा व्लॉग मैंने रिकॉर्ड कर लिया, जितना भी हुआ मैं अपलोड कर दूँगी ये वाला भी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त ले रही हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अभी मैं थोड़ी सी वर्क लिस्ट आपको दिखा देती हूँ क्योंकि अंधेरा हो गया, जाने होने वाली। मिलेंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, तो अभी के लिए इजाज़त। और आप भी बताएं कैसा लगा व्लॉग मेरा, और चैनल का अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरे व्लॉग अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो यहाँ तक वॉच करें। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है।